अस्सलाम वालेकुम। आज है 8 मार्च सन 2024 और इस वक्त शाम के तकरीबन 4:45 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ सुबह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के एक शहर वारबर्टन में, और बहुत ही यूनिक सा नाम है वारबर्टन। अगर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश ज़माने का किसी अंग्रेज़ का नाम है, तो ये बिल्कुल सही लगता है। ये ब्रिटिश ज़माने में जब ब्रिटिश यहाँ पे हुकूमत किया करते थे तो एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर थे जॉन पॉल वारबर्टन, उनके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था वारबर्टन। और कहा जाता है कि आसपास के इलाके में घने जंगल हुआ करते थे और वो इलाका डकैतों की या डाकुओं की वजह से मशहूर था। तो उन डाकुओं के ख़िलाफ़ जॉन पॉल वारबर्टन ने ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से इस शहर को वारबर्टन का नाम दिया गया। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक ट्रेन का सफ़र तय करके। उस सफ़र की पूरी रुदाद अभी आपको सुनाता हूँ, लेकिन पहले मैंने कहा कि आज व्लॉग का स्टार्ट वारबर्टन जिस शहर मैं जा रहा हूँ वहाँ से किया जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बिल्कुल स्टार्ट में लिए चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आज वारबर्टन पे मैं इसलिए आया था, एक तो यहाँ पे रेल फैनिंग भी करूं, यहाँ के स्टेशन को एक्सप्लोर करूं, और इसके साथ साथ जो यहाँ के स्टेशन पर एक मशहूर कैंटीन है उसकी फ़ूड ट्राई करूं। दो दफ़ा मैं रावी एक्सप्रेस पे ट्रैवल कर चुका हूं और दोनों दफ़ा ही मैंने इस स्टेशन की कैंटीन को देखा है। बहुत ज़्यादा रश होता है उधर और लोग बैठ के खाने खाते हैं, मुसाफिर भी और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो भी। तो आज वो ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले तकरीबन 3 घंटे पीछे चलते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से आज मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। तो उस पूरे सफ़र को देख के वारबर्टन पहुँचते हैं और फिर अपनी कैंटीन को का खाना ट्राई करते हैं और यहाँ के स्टेशन को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो चलें, रोलिंग बैक टू लाहौर जंक्शन। अस्सलाम वालेकुम। आज है 8 मार्च सन 2024 और इस वक्त दोपहर के 2:10 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है लाहौर का और कड़कती हुई धूप निकली हुई है, लेकिन सर्दियों की ठंड अभी भी बाकी है। तो इन दोनों का इम्तिज़ाज बहुत ही ज़बरदस्त एहसास दिला रहा है। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है, तो कुछ ही देर पहले नमाज जुम्मा का वक्त भी था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मैं लाहौर स्टेशन पहुंचने में। आज मैंने जिस ट्रेन पर सफ़र करना है वो 2:30 चलती है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अभी स्टेशन के अंदर चलता हूं तो आपको बताता भी हूं कौन सी ट्रेन है और आज किस मंजिल के लिए मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बग़ैर चलते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की किला नुमा बिल्डिंग, ब्रिटिश ज़माने की बिल्डिंग, वेल प्रिजर्व्ड है अभी भी, और बड़ा मज़ा आता है जब भी यहाँ पर आऊँ। स्टेशन बिल्डिंग के अंदर चलते चलते मैं आपको बताता हूँ आज मैंने सफ़र करना है लाहौर से लेकर डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के एक शहर वारबर्टन के लिए। हाँ जी, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है वारबर्टन और बड़ा यूनिक सा नाम है इसका। तो वहाँ के लिए मैं आज सफ़र कर रहा हूँ और ट्रेन मैंने चूज़ की है 122 डाउन रावी एक्सप्रेस, और प्लेटफॉर्म नंबर 8 से वो चलती है। तो चलें स्टेशन बिल्डिंग के अंदर और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, वक्त कम ही रह गया है। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का अंदरूनी मंज़र, और सामने ग्रीन लाइन का ऐड चल रहा है स्क्रीन पर, एसी पार्लर क्लास दिखाई जा रही है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि करकरम एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस वगैरह सब थोड़े थोड़े वक्फे से चलती हैं। रावी एक्सप्रेस जिस पे मैंने ट्रैवल करना है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 से जाएगी, तो वहाँ चलते हैं, लेकिन उससे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलते हैं, वहाँ पर एक दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का 2 नंबर प्लेटफॉर्म, और अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। दोस्त भी मेरे आ गए हैं, उनसे मिलते हैं। पुल के ज़रिए प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे चलते हैं
और वहीं पे झांजे भाई से भी हेलो हाय करेंगे, और भी कुछ रेल फैंस हैं उनसे भी सलाम दुआ करते हैं। ये पुल से मैं उतर रहा हूँ अब 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर। 8 और 9 नंबर प्लेटफॉर्म साथ साथ ही हैं, और ज़्यादातर जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनको इन्हीं प्लेटफॉर्म से चलाया जाता है काफ़ी दूर से। तो आज रावी एक्सप्रेस 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे है। ये पहुंच गया मैं 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और ये आ गई रावी एक्सप्रेस। अब ट्रेन डिपार्चर में सिर्फ 5 ही मिनट रह गए, और मैं लोकोमोटिव के पास आ गया हूँ। ZCU-26424 लोकोमोटिव आज 122 डाउन रावी एक्सप्रेस को लीड करेगा। रावी एक्सप्रेस के बारे में आपको बताऊं कि ये ट्रेन चलती है लाहौर से लेकर शोरकोट तक, और बहुत ही यूनिक रूट है इसका, क्योंकि ये शेखुपुरा से शोरकोट ब्रांच लाइन लेती है, और इस ब्रांच लाइन की वही ट्रेन है। तो आज इसके ऊपर सफ़र होगा मेरा लाहौर से लेकर वारबर्टन तक। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। कुछ ही देर है ट्रेन की रवानगी में, अपने दोस्तों से मिलते हैं, जहाँजेब भाई सबसे पहले, और माशाल्लाह से लाहौर जंक्शन के कह लेंगे शेर हैं ये, हर वक्त लाहौर जंक्शन पे मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रेल फैनिंग करते हैं। अभी रिसेंटली इनका चैनल माशाल्लाह से मोनेटाइज हुआ है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इनका चैनल ज़रूर चेक कीजिएगा, रेलवे कॉन्टेंट के साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेंट भी दिखाते हैं, जो मशहूर शख्सियात हैं पाकिस्तान की जो अब गुमनाम हो चुकी हैं, अक्सर उनकी उनकी जो आखिरी रेस्टिंग प्लेस है वहाँ पे लेके जाते हैं। तो ज़बरदस्त जहाँजेब भाई। इसके अलावा मोहसिन भाई भी इधर मौजूद हैं, और मोहसिन भाई का ताल्लुक़ है गुजरांवाला से। जी जी। तो मोहसिन भाई, बड़े अरसे से आपसे मुलाकात का मौका नहीं मिल पा रहा। मुझे भी बहुत ज़्यादा, मैंने जहाँ तक मैंने कराची तक आपसे कॉन्टेक्ट किया शायद आपको याद हो, तो मैंने कहा आज टाइम निकाल लें सुफयान भाई के लिए। चलें देर आए दुरुस्त आए, अच्छा लगा आपसे। अच्छा लगा आपसे। 2:28 हो गए और सिर्फ 2 मिनट रहते हैं। लाहौर बरास्ता शोरकोट रावी एक्सप्रेस का बोर्ड लगा हुआ है, आज इस पर एक छोटा सा सफ़र होगा, इंशाल्लाह ताला उसको एंजॉय करते हैं। ये ट्रेन चलती है एस जमील एंड कंपनी की कमर्शियल मैनेजमेंट में। सलमान भाई भी इधर मौजूद हैं और कराची से बिलोंग करते हैं। नहीं, रावलपिंडी से करता हूँ। अच्छा। कराची में जॉब कर रहा हूँ जी। अच्छा। कराची में मैं PIA में जॉब करता हूँ। तो PIA में आप तो जहाज़ों से शौक़ होना चाहिए, ट्रेनों का शौक़ कैसे? बात यह कि ट्रेन का शौक़ बचपन से, बचपन में बहुत ट्रैवल किया, ट्रेन में वो कहते हैं ना कि रग रग में वो बसा होता है जज्बा, और फिर इस दफ़ा मैंने इसीलिए प्लान किया कि सब भाइयों से मुलाकात करने के लिए, जितने भी अपने हमारे मेंबर हैं ग्रुप के, उनसे मुलाकात कर लिए है कि ट्रेन से सफ़र किया जाए। डिपार्चर विसल हो गया है 122 डाउन रावी एक्सप्रेस का, तो किसी भी लम्हे ये रवाना हो जाएगी। मैं आज ट्रैवल करूंगा सबसे पहली कोच में, तो चलें ट्रेन पे सवार होते हैं, अपने दोस्तों को अल्लाह हाफिज़ करते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। 122 डाउन रावी एक्सप्रेस। 2:35 पर डिपार्चर हुआ है 122 डाउन रावी एक्सप्रेस का। सामने GU-49005 लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का यार्ड। अभी मैं दरवाज़े पे खड़ा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। ये दरवाज़े के साथ ही वॉशरूम है, उसमें से ये वॉशरूम का दरवाज़ा, इसके अंदर से खोलने पे ये पता लगा कि जो टॉयलेट है उसका जो सुराख होता है उसमें से ये आवाज़ें आ रही हैं लाइन चेंज होने की। तो ये देख लें कि किस किस्म की कितनी कदीम कोचेज रावी एक्सप्रेस में लगी हुई हैं।
रावी एक्सप्रेस में यहाँ से लेकर शादरा जंक्शन तक मेन लाइन पर सफ़र करेंगे, मेन लाइन वन पर। उसके बाद शादरा से लेकर शेखुपुरा तक हम होंगे, शादरा सांगला ब्रांच लाइन पर, और फिर शेखुपुरा से सफ़र शुरू होगा शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन पर। तो है तो ये पैसेंजर ट्रेन, लेकिन देखें कितनी ज़्यादा डाइवर्स लाइन इसकी हैं, तीन लाइन्स पे इसका सफ़र होता है। पुराने लाहौर की कुछ झलकियाँ हैं, दिल्ली दरवाज़ा बिल्कुल सामने, दिल्ली दरवाज़ा है। थोड़ी देर में रावी, दरियाए रावी आ जाएगा, उससे पहले ज़रा कोच के अंदर चलते हैं, देखते हैं कोच किस किस्म की है। पहले ही कोच इंजन के पीछे और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उछल रही है। ये हमारी पुरानी जो CFI कोचेज हैं बिल्कुल वैसे ही है, और काफ़ी रश है, लेकिन कुछ सीट्स खाली भी हैं। मैं बैठता हूँ किसी एक सीट पे। अभी पहली कोच को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि बादामी बाग आ गया, और हस्बे मामूल यहाँ पर स्लो ये ट्रेन, और PLC को पकड़ेंगे असिस्टेंट ड्राइवर साहब, और फिर दोबारा से स्पीड पकड़ी जाएगी। वो सामने PLC लेके खड़े हैं, और ये पकड़ी असिस्टेंट ड्राइवर साहब ने। ये PLC का रैकेट, बादामी बाग। क्या यहाँ पर पहले बादाम के बाग हुआ करते थे? अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल जो दूसरी कोच है वो कराची सर्कुलर रेलवे वाली है, KCR वाली कोच, और उसमें बैठने वाली सीट्स लगी हुई हैं। एस जमील एंड कंपनी के जो RPIs हैं वो टिकट्स भी इशू कर रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि वारबर्टन तक का टिकट कितने का है। अस्सलाम वालेकुम सर, वारबर्टन का टिकट कितने का है? 270 का। और ननकाना का? 320। बहुत शुक्रिया। दरियाए रावी आने वाला है तो उसको देखते हैं। अभी तक मैंने देखा है ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा रश है, और मेरे ख्याल में ज़्यादातर रश शेखुपुरा तक के लिए होगा, क्योंकि शाम की यही एक ट्रेन है जो कि शेखुपुरा पे स्टॉप करती है। इसके बाद फिर बिल्कुल ही रात में गौरी एक्सप्रेस एक चलती है जिसका शेखुपुरा पर स्टॉप है, तो ज़्यादातर लोकल सवारी इसमें होती है। दरियाए रावी बिल्कुल आ चुका है, और रावी एक्सप्रेस को अब दरियाए रावी पे से गुजरते हुए देखेंगे। दरियाए रावी में बहुत ही कम पानी देखने को मिल रहा है, और अभी सुना है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसने एक नया डैम तामीर किया है रावी पे, दरियाए रावी पे, तो अब मज़ीद कमी हो जाएगी।
सिंध तास माहिदे के तहत इसका पानी वैसे है तो भारत के पास ही, तो बहरहाल एक बहुत ही ज़बरदस्त दरिया है दरियाए रावी, लेकिन अफसोस होता है इसको ऐसा सूखा हुआ देख के। बजकर 47 मिनट हो रहे हैं और शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुक रही है। अक्सर तो शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन को थ्रू पास ही कर देते हैं, बहुत कम ही ट्रेन्स हैं जो यहाँ पे स्टॉप करती हैं और रावी एक्सप्रेस उनमें से एक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए रुकेंगे, नीचे भी उतरेंगे। चलें जी शादरा बाग। शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हनीफ गाजी साहब से मुलाकात हुई है, लाहौर शेड के मोस्ट सीनियर ड्राइवर हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। सर लगता है आप कोई ड्यूटी मुकम्मल करके वापस जा रहे हैं। हाँ, 15 अप आए हैं। सही आई है टाइम, राइट टाइम भाई, इंशाल्लाह राइट टाइम। चलें ज़बरदस्त। कल आपने कौन सी ट्रेन लेके जानी है? कल इंशाल्लाह 42 पर करेंगे। 42 करेंगे। चलें बहुत खुश हुई आपसे मिलके और ऐसे ही हंसते मुस्कराते रहे। मेहरबानी, थैंक यू जी। थैंक यू जी, आपको भी मेहरबानी, आपको भाई जजाक अल्लाह, जहाँ भी रहो खुश रहो। थैंक यू, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। गाजी साहब शादरा से बिलोंग करते हैं तो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर की तरफ जा रहे थे तो यहीं पे उनसे मुलाकात हो। ZCU-20 ने डिपार्चर विसल दे दिया तो चलें एक दफ़ा फिर से सवार होते हैं। अभी मूव हो गई थी ट्रेन शादरा बाग जंक्शन से, लेकिन कुछ ही फरलांग चलने के बाद एक दफ़ा फिर रुक गई है और मैंने बाहर झांक के देखा तो जो गार्ड साहब हैं वो लाल झंडी लहरा रहे थे, तो शायद कोई आखिरी वक्त में सवार होने वाला था इस वजह से। अभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। थोड़ी देर बाद ही हरी झंडी लहराती हुई नज़र आई है तो डिपार्चर विसल दे के और फिर मूव होना शुरू हुई है ट्रेन। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती हैं तो आज देखने को मिल गई। शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है ट्रेन और जंक्शन शादरा को इसलिए कहते हैं कि यहाँ से 3 लाइन्स निकलती हैं। ये तीनों लाइंस आपको इस फ्रेम में नज़र भी आ रही होंगी। दरमियान वाली जो लाइन है ये मेन लाइन 1 है और सबसे राइट साइड पे जो लाइन है ये जा रही है नारोवाल, और जिस लाइन पे हम चल रहे हैं ये लाइन जाती है सांगला हिल, तो शादरा सांगला ब्रांच लाइन इसको कहते हैं। यहाँ पे अक्सर पैरेलल एक्शन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन जब से रावी एक्सप्रेस का टाइम तब्दील हुआ है तब से ये पैरेलल एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। कराकरम एक्सप्रेस से पहले ही ये रवाना हो जाती है। बहरहाल ZCU-20 की घन गरज में अपना सफ़र जारी रखते हैं।
से अब कर्व लेते साथ ही हम इन दोनों लाइन से अलग हो जाएंगे और फिर आगे का सफ़र अकेले अकेले सिंगल लाइन पर ही होगा। इस जगह पे वीडियो बनाते हुए ये भी एहतियात करना पड़ता है क्योंकि अक्सर शरारती बच्चे पत्थर भी मार देते हैं, ख़ास तौर पे जो कैमरा से या मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं उनको। काफ़ी दिनों बाद इस तरफ से गुज़रना हो रहा है तो जो फिरोज़ वाला फाटक है उस पे जो ब्रिज बन रहा था वो भी देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा, मुकम्मल हुआ है या नहीं। ये रहा जीटी रोड और उस पे बनने वाला ब्रिज फिरोज़ वाला फाटक के ऊपर, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है और मज़ीद कुछ टाइम लगेगा ज़रूर, अभी भी सारी ट्रैफिक नीचे से ही जा रही है। अब सुनेंगे ZCU-20 की घनगरज। बहुत ही खूबसूरत हरा भरा इलाका शुरू हो चुका है शादरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के फौरन बाद ही। भी है अभी तक जोरदार स्पीड नहीं पकड़ी है, जैसे ही गरजदार सी स्पीड पकड़ेगा ZCU-20 तब स्पीड चेक करेंगे, देखेंगे कितनी स्पीड पर ट्रेन दौड़ रही है। यहाँ पे ट्रेन रुकी थी और अब रवाना होने लगी है। इस जगह के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे एक सेम नाला गुज़रता है और उसके ऊपर एक ब्रिज मौजूद है जिसका नाम है भेड़ नाला, और कुछ अरसा पहले इसके ऊपर जो ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया था, उसका एक गर्डर या उसका एक सतून जो है वो गिर गया था, तो वहाँ पर एक मेकशिफ्ट ब्रिज रखा हुआ है और मेरा ख़्याल अब उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है और परमानेंट स्टॉप डेड कॉशन वहाँ पे लगा दिया है। ये वो हिस्सा है जिसमें से अभी ट्रेन गुज़र रही है, बिल्कुल ही हल्की स्पीड में यहाँ से गुज़रे। देखें इसका परमानेंट सोल्यूशन कब निकाला जाता है। 3:10 हो रहे हैं और अब मिशन कलर रेलवे स्टेशन से थ्रू पास करने लगे हैं। स्पीड अभी तक कम ही है लेकिन बाहर के नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं, वो दूर तक हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं और अब ज़्यादातर फसलें जो हैं वो गंदम की हैं, ज़्यादातर खेतों में गंदम लगी हुई है और काफ़ी सारे खेतों में जो गंदम है उन पर बालियां भी आ चुकी हैं। मिशन कलर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग दूसरी तरफ है तो उसको दूसरी तरफ से कैप्चर करते हैं। खूबसूरत आवाज़ लगती है ये पटरियों की,
ओहो, यहाँ पर भी पीएलसी दी गई है, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार थी, ज़बरदस्त। सामने आपको ट्रैफिक जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये मोटरवे है, M2 मोटरवे, लाहौर से लेकर रावलपिंडी सामवाद वाली मोटरवे। बजकर 16 मिनट हो रहे हैं और खूबसूरत सरसों का खेत सामने, और एक स्टेशन भी आ रहा है जिसको थ्रू पास करेंगे। इस स्टेशन का नाम है किला सत्तार शाह। यहाँ पे मालगाड़ियों की वर्किंग भी होती है, एक ड्राई पोर्ट है छोटा सा, तो कंटेनर्स आते हैं इधर। कुछ अर्सा पहले जो रावी एक्सप्रेस है उसका एक एक्सीडेंट भी हुआ था इस स्टेशन पर, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था उसमें। किला सत्तार शाह, अभी भी रंग बिरंगे कंटेनर्स से लदी एक मालगाड़ी नज़र आ रही है। वो डैमेज कोच भी देख ली होगी। थोड़ी देर में चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आज लंच भी प्रॉपरली नहीं किया, भूख लग रही है काफ़ी तेज़। और वारबर्टन मैं एक तो स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए भी जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ दूसरा एक और वजह है मेरा वारबर्टन पे उतरने की, और वो ये कि वारबर्टन पे कैंटीन है बहुत ही ज़बरदस्त। रावी एक्सप्रेस पर मैं दो दफ़ा सफ़र करते हुए उसको देख चुका हूँ, मुझे बड़ी अच्छी वो कैंटीन लगी थी, और मैंने यही सोचा था कि वहाँ जाके उसको ट्राई ज़रूर करूँगा। तो आज स्पेशली सिर्फ उस कैंटीन का खाना खाने के लिए मैं वारबर्टन जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। हद्दे निगाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा, और दूर अगर आप देखें तो एक दरख्तों की लाइन नज़र आ रही है। ये एक नहर है जिसका नाम है अपर चनाब कैनाल, और चिचुगी मलिया रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा पहले ही आती है। खानपुर नहर भी कहा जाता है इसको, तो इस नहर को देखते हैं। ये थी अपर चनाब कैनाल, और उसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत हरा भरा खेत है, खूबसूरत नज़ारा है। वक्त हो रहा है 3:25, और ब्रेक सप्लाई हो गई हैं। कुछ दोस्त बाइक पे गुड़ियां लेके जा रहे हैं, पतंगे।
एक ज़माना था लाहौर में और बखिया पंजाब में बसंत इस मौसम में बहार में मनाई जाती थी, बसंत का त्यौहार। लेकिन फिर लोगों ने उसको एक खेल की बजाय एक अना का मसला बना लिया और धाती तारों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से काफ़ी जानें भी गईं और मजबूरन फिर गवर्नमेंट को बसंत पे या पतंगबाजी पे पाबंदी लगानी पड़ी ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। बहरहाल ये आ गया चीचू की मलियां रेलवे स्टेशन और इसके साथ ही ये एक पानी का तालाब बना हुआ है, बड़ा सा जौहड़, गंदा पानी लग रहा है ये। यहाँ पर आके रेल फैनिंग भी की हुई है मैंने, बड़ा अच्छा और पुरसकून रेलवे स्टेशन है। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं नाइन अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस से आया था कराची से, तो वहाँ पे शायद जिशान भाई मिले थे, उन्होंने बताया था कि उनके जो बच्चे हैं वो चीचू की मलियां रेलवे स्टेशन वाला व्लॉग बार बार देखते हैं। तो चीचू की मलियां रेलवे स्टेशन आज एक दफ़ा फिर उतरते हैं इधर। वाह, एक चीज़ नज़र आई है और ये देखें, एक शहतूत का छोटा सा पौधा है, उस पर पत्ते इतने नहीं हैं जितने शहतूत लगे हुए हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि ट्रेन स्पीड पकड़े, लेकिन 70-75 से ऊपर नहीं जा रही है, अभी भी 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है जीपीएस स्पीडोमीटर पे। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि ये कैसे ट्रेन की स्पीड आप कैलकुलेट करते हैं, तो आपका कोई भी एंड्रॉयड या आईफोन वगैरह जो भी फ़ोन है उसमें जीपीएस बेस्ड कोई भी ऐप हो स्पीडोमीटर की, वो आपको मूविंग व्हीकल ट्रेन वगैरह की स्पीड बता सकती है और जीपीएस के ज़रिए ये कैलकुलेट करती है। तो अभी 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से दौड़ रहा है ZCU-20 रावी एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त 3:38 हो रहे हैं और किला शेखुपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन आ रहा है। बड़ी स्पीडी एंट्री कर रहे हैं इधर। मिट्टी भी उड़ रही है और आउटर सिग्नल अभी आने वाला है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हर बड़े शहर की तरह किला शेखुपुरा से पहले भी जगह जगह कचरे के ढेर काफ़ी ज़्यादा हैं, जिन्हें देख के काफ़ी अफसोस होता है। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। सामने एक छोटा सा स्टेडियम सा बना हुआ है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। होम सिग्नल लूप लाइन का इंडिकेट कर रहे हैं। मिट्टी भी वाह वाह ही उड़ी है आज। Thank you.
शेखुपुरा का रेलवे डाक बंगला, वीरान वीरान सा लग रहा है बिल्कुल। और ये आ गया किला शेखुपुरा जंक्शन का प्लेटफॉर्म। जंक्शन इस शहर को क्यों कहते हैं, इस स्टेशन को, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। चाचा जी उतरने लगे हैं, चलती ट्रेन से एहतियात से उतरना चाचा जी। कुछ सेकंड्स बचा लिए चाचा जी ने। ओह ये शेखुपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, काफ़ी लोग उतर रहे हैं भाई इधर, और सवार होने वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और रावि एक्सप्रेस शेखुपुरा पर, अब थोड़ा ही सफ़र है, अगला स्टॉप वारबर्टन रेलवे स्टेशन का होगा और मैंने वहीं पे उतरना है, आज के सफ़र का अख्ताम वहीं पे करना है। कुछ ही देर का स्टॉप किया है और अब रवाना होने लगे हैं, तो चले ट्रेन पे सवार होते हैं। किला शेखुपुरा जंक्शन, अब मैं आपको बताता हूँ इसको जंक्शन क्यों कहते हैं। एक तो हो गई शादरा से सांगला ब्रांच लाइन जिस पर ये स्टेशन आता है, इसके अलावा यहाँ से एक लाइन ओरिजिनेट भी होती है, या आप कह लें कि टर्मिनेट होती है इधर, जिसे हम शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन कहते हैं। और आजकल इस ब्रांच लाइन पर सिर्फ रावि एक्सप्रेस एक वाही ट्रेन है जो ट्रैवल करती है। ये ब्रांच लाइन शुरू होने के बाद जो पहला स्टॉप है रावि एक्सप्रेस का, वो वारबर्टन रेलवे स्टेशन पर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब का एक छोटा सा शहर है। तो वहाँ तक आज मैं सफ़र करूँगा। शेखुपुरा और वारबर्टन के दरमियान भी दो स्टेशन आते हैं जो कि अबेंडेंड है, अभी भी शेखुपुरा की लिमिट्स में है। ये जो लाइन नज़र आ रही है सीधे हाथ में, ये शादरा सांगला ब्रांच लाइन है, और हम हो गए हैं शेखुपुरा से शोरकोट ब्रांच लाइन पर। कुछ ही देर में हम कर्व कर जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, और ये दोनों लाइंस आपस में जुदा होते हुए, कभी कभी इधर भी पैरेलल एक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन शाज़ो नादिर ही होता है ऐसा। इस ब्रांच लाइन के शोरकोट तक के तमाम स्टेशंस जो हैं वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैंने एक दफ़ा पूरा सफ़र तय किया था शोरकोट से लेकर लाहौर तक रावि एक्सप्रेस में, उसका व्लॉग भी आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रावि एक्सप्रेस में अगर आप सफ़र करें तो इसका आधा सफ़र दोनों तरफ से अंधेरे में गुजरता है, लेकिन मैं लकी था कि मैं जब शोरकोट से लाहौर आ रहा था ट्रेन लेट हो गई, लेकिन उसकी वजह से सारा सफ़र मैंने दिन में तय किया था, तो वो इस वजह से बड़ा ही यूनिक सफ़र है। तो मिट्टी मिट्टी कर दी है ZCU ने।
खूबसूरत खेत खलिहान है, लेकिन रेलवे ट्रैक के साथ साथ कचरा देख के सारा खूबसूरत मंजर जो है वो कहना हो रहा है। शेखुपुरा से निकलने के बाद ट्रेन की रफ़्तार काफ़ी स्लो हो गई है और तकरीबन 40-44 किलोमीटर फी घंटे की रफ़्तार से दौड़ रही है। मैंने अभी स्पीडोमीटर ऐप पर चेक किया था, मैं भी अब फाइनली एक सीट पे आके बैठ गया हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ही सफ़र है, कुछ ही देर में वारबर्टन आ जाएगा। आपको ये बता दूँ कि दो स्टेशन हैं वारबर्टन और शेखपुरा के बीच में, दोनों अबैंडन हैं, एक का नाम है बहुमान और दूसरे का मेमून वाली, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मैंने अभी अभी जो इसकी रेलवे की बुक होती है उसमें से चेक किया। बहरहाल बाहर के नज़ारे इंजॉय करते हैं। इस वक्त जिस फाटक से गुजरे हैं ये वो रोड है जो शादरा से लेकर फिर आगे फैसलाबाद तक जाता है, और यहाँ पे शेखुपुरा शहर की नई नई सोसाइटीज़ आबाद हो रही है। यहाँ पे आप देखें इस चार दीवारी के अंदर बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, तो तमाम ही शहर हमारे फैल रहे हैं, ज़रई ज़मीनें ख़त्म होती जा रही हैं और सोसाइटीज़ बढ़ती जा रही हैं। ये तमाम ज़रई ज़मीनें हुआ करती थी किसी ज़माने में। बहुत ही खूबसूरत एक जंगल सा आ गया, अब घने दरख्त हैं और उनके बीच में हमारी ट्रेन दौड़ रही है। इस जंगल को कैप्चर करते हुए पहला अबैंडन्ड स्टेशन तो आ गया, नाम वगैरह इसका कुछ नहीं लिखा हुआ। बड़ी स्पीड पकड़ी है और 65-70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। 66, 67, 68 ऐसी ही रीडिंग दे रहा है स्पीडोमीटर। के नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत हैं, सफ़ेदे के दरख्त और दूर दूर तक फैले हुए गंदम के खेत। भी लिंक कैनाल ये अभी गुजरी है और मैंने इसके बोर्ड पे सही पढ़ा है नाम,
سفیدے کے درختوں کے جھرمٹ میں مختلف کھیت کھلیان دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور سورج کی روشنی بھی چھن چھن کے آ رہی ہے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا گاؤں اس پورے سبزے کے درمیان، بہت ہی خوبصورت۔ اسٹیشن ابھی تھوڑی دیر پہلے بہو مان اسٹیشن بھی گزرا تھا، لیکن اس کو میں کیپچر نہیں کر سکا۔ اور بہو مان اسٹیشن سے پہلے جس ابینڈنڈ اسٹیشن کی ویڈیو بنائی، اس کا تو نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہیں، اور جو لسٹ میں نے نیٹ پہ چیک کی ہے اسٹیشنس کی، اس میں بھی اس کا نام موجود نہیں تھا۔ کوشش کروں گا کہ اس کو فائنڈ کروں۔ اب اگلا اسٹیشن واربرٹن کا ہی ہونا ہے، تو تھوڑا سا ہی سفر رہ گیا۔ چار بج کر 22 منٹ ہو رہے ہیں اور بالآخر واربرٹن ریلوے اسٹیشن آنے لگا ہے۔ ٹرین نے بریکس بھی اپلائی کر دی ہیں، کچھ ہی لمحے میں واربرٹن ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر رکیں گے اور یہاں پر میں اپنے سفر کا اختتام کروں گا۔ بڑا ہی یونیک سا نام ہے واربرٹن، آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ نام کیوں اور کیسے پڑا تھا۔ ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب کی حدود میں آتا ہے واربرٹن۔ رش نظر آ رہا ہے واربرٹن پر، تو بہت زیادہ لوگ جمع ہیں ٹرین پہ سوار ہونے کے لیے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بزی اسٹیشن ہوگا یہ۔ واربرٹن اور اس کی مشہور کینٹین، جس کی وجہ سے آج میں سفر کر کے یہاں پر آیا ہوں واربرٹن۔ اس کے کھانے کھانے اور خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ کافی زیادہ رش، اتر جاؤں میں اس سے پہلے کہ دروازے بھر جائیں۔ جاؤ بھائی، تو ZCU-20-6424 کے ساتھ بڑا اچھا سفر رہا واربرٹن کا۔ کچھ ہی دیر میں یہ یہاں سے روانہ ہوگی ٹرین، تو اس کا ڈپارچر کیپچر کریں گے اور پھر اپنے واربرٹن اسٹیشن کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ 4:28 ہو رہے ہیں اور اسٹیشن ماسٹر کی طرف سے لائن کلیئر آ چکا ہے ڈرائیور صاحب کو، کچھ ہی دیر میں ڈپارچر وسل ہوگا۔ بچے ادھر جمع ہیں اور ٹرین کا ڈپارچر دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، سارے بچے ریل فین ہیں ادھر۔ اس برانچ لائن پر صرف ایک ہی ٹرین ہے، راوی ایکسپریس، ابھی یہ جا رہی ہے شورکوٹ کی طرف اور کل صبح آئے گی واپس لاہور کی طرف۔ تو پورے دن میں صرف 2 ہی ٹرینز دیکھنے کو ملتی ہے یہاں کے بچوں کو۔
जो बड़े इश्तियाक से देख रहे हैं और देखते हैं। धुआंधार विसल 6424 का, और एज इंस्टिंक्ट बच्चों ने अपने कानों पे हाथ रख लिया। आहिस्ता आहिस्ता 122 डाउन रावी एक्सप्रेस रवाना होते हुए। बच्चे बड़े इश्तियाक से ट्रेन को रवाना होते हुए देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी लग रही है रावी एक्सप्रेस की। इंचार्ज गार्ड साहब हरी झंडी लहराते हुए। अब कल सुबह तक वारबर्टन स्टेशन एक दफा से फिर सोना सोना। 122 डाउन रावी एक्सप्रेस तो वारबर्टन रेलवे स्टेशन से आगे जा चुकी है ननकाना साहिब, और फिर आगे शोरकोट कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए। अब करते हैं वारबर्टन को एक्सप्लोर, और यहाँ की कैंटीन से खाना भी खाते हैं। उससे पहले क्विकली मैं आपको वारबर्टन हाई स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल दिखा देता हूँ, जो कि स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है। और मुझे याद पड़ रहा है कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अगर आप कभी वारबर्टन जाएं तो वो स्कूल ज़रूर दिखाइएगा। तो उनके लिए मैं इस स्कूल को दिखाने के लिए जा रहा हूं। व्लॉग के स्टार्ट में आपने सुना ही होगा कि वारबर्टन एक जो हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनके नाम पर ये शहर का नाम है। और ये जो हाई स्कूल है, मेरे ख़्याल में ये उनकी रिहाइश गाह हुआ करती थी, जो कि अब स्कूल के तौर पे चल रही है। तो ये वो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल है वारबर्टन सिटी, इंग्लिश मीडियम। वाह, ये तो एक नई चीज़ है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो मैंने यही देखा है कि उर्दू मीडियम हुआ करते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है। चलता चलता बिल्कुल करीब आ चुका हूँ मैं अब। तो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल वारबर्टन सिटी, इंग्लिश मीडियम। अब मैं वारबर्टन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर आ गया हूँ, और अब दोबारा से स्टेशन बिल्डिंग में दाखिल होता हूँ। आपको भी विज़िट कराता हूँ इस स्टेशन का। ये एक तरह का मुसाफिर खाना, टिकट घर, किराया नामा, एक ही ट्रेन जो रावी एक्सप्रेस चलती है आजकल उसका किराया नाम है। और एक ज़बरदस्त चीज़ मैंने देखी है, जॉन पॉल वारबर्टन, जो मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया था, उनकी पूरी हिस्ट्री इधर लिखी है।
और इसमें भी ये बताया गया है कि जॉन पॉल वारबर्टन ठगों और डाकुओं के लिए एक दहशत का नाम था, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। हिस्टोरिकल शहर कह लें ये। आप बिल्डिंग के अंदर दाखिल हों तो प्लेटफॉर्म है और सामने यार्ड। ट्रेन जा चुकी है इसलिए मुसाफिरों का रश तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खुशगप्पियों में मसरूफ़ हैं, बैठे हुए अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। साथ ही स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर है और प्लेटफॉर्म पर ही एक खूबसूरत सी मस्जिद भी मौजूद है। ये मस्जिद खूबसूरत सी बनी हुई है, खूबसूरत मस्जिद का अंदरूनी मंज़र। माशाल्लाह। चलें अब वक्त ज़ाया किए बग़ैर चलते हैं अपनी कैंटीन में और यहाँ की फ़ूड को ट्राई करते हैं। मैंने अभी वापस लाहौर भी जाना है और मुझे ख़ुद नहीं पता कि किस तरह से मैं जाऊँगा। शोरकोट शेखुपुरा ब्रांच लाइन का एक स्टेशन वारबर्टन है, तो ये छोटा सा स्टेशन लेकिन यहाँ की कैंटीन काफ़ी बिज़ी रहती है। बेशक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेन आती है इधर, लेकिन कैंटीन पर रश ज़रूर रहता है। तो ये है अब्दुल मजीद चस्का पॉइंट, आज इसको एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ के कुछ मशहूर जो खाने हैं वो खाते हैं। तो थाल सजा हुआ है, चिकन पकोड़ा इधर मौजूद है, इसके अलावा समोसे हैं और यहाँ की जो आलू टिक्की है वो बड़ी मशहूर है। और अभी अभी जो ओनर हैं इधर के, उन्होंने मुझे कहा है कि आप हमारे फ्रीज़र में देखें, हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सारा हाइजीनिक तरीके से बनाई है और बहुत अच्छा उसको सजाया है। तो चलें इनका फ्रीज़र चेक करते हैं। जी भाई, तो फ्रीज़र दिखा रहे हैं आप अपना? चलें बिस्मिल्लाह। तो हो रायता ज़बरदस्त, और साथ में ये जो आलू वाली टिक्की है, ये चिकन वाली, और ये चिकन वाली है, ये चिकन वाली बहुत ही ज़बरदस्त। और ऐसा सजाया हुआ है इसको जैसे जैसे कोई फूल होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त अब्दुल मजीद चस्का पॉइंट के जो ओनर हैं अब्दुल मजीद साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने रावी एक्सप्रेस पर दो दफ़ा पहले सफ़र किया है और दोनों दफ़ा जब ट्रेन इधर रुकी है तो ये कैंटीन देख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी। बड़ा रश इधर होता था और मैं यही सोचता था कि मैं इधर जा के ट्रेन में सफ़र के बग़ैर उसको एंजॉय कर सकूं। तो आज मैं आपके पास आया हूँ, आपका फूड भी ट्राई करेंगे। तो ये बताएँ कि ये रेलवे लाइन सिर्फ एक ट्रेन इधर है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से आपकी कैंटीन पे इतना रश, ये कैसे? सर म्यार और अच्छी चीज़ जहाँ भी हो आवाम फौरन पहुँचती है, तो यही वजह है रश की। हम चीज़ का एक नंबर इस्तेमाल करते हैं, हमारे आला तरीन ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे के, वो भी खुश होकर इधर से खाते हैं, तो आवाम भी सेलिब्रेट करती है, आवाम भी एंजॉय कर रही है, आज आप भी करें। अच्छा ये बताएं कि आपने अपने मेन्यू में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? हमारे पास चिकन टिक्की, आलू वाली टिक्की, चिकन समोसा, चिकन पकौड़ा, ये मेन्यू होता है, और स्पेशल गन्ना गरम नान। अच्छा अभी मैंने आपका फ्रिज देखा था, आपने इसको फूलों की तरह सजाया हुआ अपनी टिक्की। ये फूलों की तरह नहीं, ये दुल्हन की तरह सजाई है टिक्की। जितना हमें आवाम लाइक करती है उतना ही हम उनसे लव करते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर्स भी इधर आके खाते हैं, तो जो भी मेरा इंटरव्यू सुने, जो जो हजरात सुने जिन्होंने पूरी ज़िंदगी रेलवे स्टेशन से कोई चीज़ नहीं खाई, वो मेरे पास आए, उसको रेस्टोरेंट का इतना मज़ा नहीं आएगा जितना स्टेशन की टिक्की का आएगा। तो सर ये भी बताएं कि जो सारी चीज़ें आप खुद बनाते हैं हाइजेनिक तरीके से, अक्सर लोगों के जहनों में यही होता है कि स्टेशन का जो खाना है वो इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है, तो इस बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं?
جو بھی حضرات کھانے پینے کا کام کرتے ہیں ان کو میرا ایک اسٹرانگ میسج ہے، اسٹیشن ہو، گھر ہو، ہوٹل ہو، ریسٹورینٹ ہو، معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں، معیار ہر جگہ بولتا ہے، تو ہمارا معیار ہے تو عوام کا رش ہے، بس یہی وجہ ہے، ہر چیز کا ایک نمبر استعمال کرتے ہیں تو بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں کھانے کے لیے۔ چلیں سر، بہت اچھا لگا، اب میں بھی آپ کا جو فوڈ ہے وہ ٹرائی کرتا ہوں۔ آپ ٹرائی کرو گے، آپ جس جگہ بھی انٹرویو لوگ تو ہمارا نام ضرور لیں گے، اتنا مزیدار، بے پناہ مزے والا۔ ضرور جی، بہت شکریہ سر، تھینک یو، تھینک یو۔ اس وقت گرما گرم ٹکیاں تلی جا رہی ہیں، واہ دیکھنے میں ہی اچھی لگ رہی ہیں، زبردست۔ بس ابھی میں نے کچھ چیزیں آڈر کی ہیں، وہ ٹرائی کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسا ٹیسٹ ہے۔ سب سے زیادہ اچھے مجھے چکن پکوڑے لگ رہے ہیں، تو ان کو ٹرائی کرتے ہیں۔ اس وقت میری ٹیبل سج چکی ہے اور میں نے سموسا، چکن ٹکی اور چکن پکوڑا، ساتھ میں نان، رائتا اور سلاد، یہ چیزیں منگوائی ہیں، تو ان کو ٹرائی کرتے ہیں اور ٹیسٹ چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چکن پکوڑا میں ٹرائی کروں گا، بہت ہی زبردست لگ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رائتے میں ڈپ کر لیا، بہت ہی زبردست، مزیدار۔ میں کہتا ہوں واقعی میں مجید صاحب چھا گئے ہیں، زبردست۔ داجو چاچا جی، اب ٹرائی کروں گا میں سموسا، آلو سموسا، یہ بھی رائتے کے ساتھ، زبردست، مزہ آ گیا۔ اب باری ہے چکن ٹکی کی، وہ بھی نان کے ساتھ۔ نان ٹکی تو بہت کھائی ہے ٹرینوں کی، لیکن ایسی شاید نہ کھائی ہو، زبردست۔ فون بھی میرا آنے لگ گیا اور غلط ٹائم پہ آیا ہے، خیر آتا رہے فون، میں اپنا کھانا انجوائے کرتا ہوں، زبردست۔ چکن ٹکی بھی بہت ہی مزیدار ہے اور مزہ آ گیا، بہترین فوڈ، تھمز اپ۔ ٹھنڈا بھی تھمز اپ۔ آ جاؤ چاچا جی، آ جاؤ۔ کینٹین کا بہترین سا کھانا کھانے کے بعد اب گرما گرم چائے پینے لگا ہوں، اور ریلوے اسٹیشن پر ایسی ایک شام اور چائے، اس سے بہترین کمبینیشن ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے ریل گاڑیوں کی، کیونکہ یہ جو برانچ لائن ہے شیخوپورہ سے شورکوٹ برانچ لائن، یہ سنی سنی رہتی ہے اور صرف راوی ایکسپریس ہی ادھر سے دن میں دو دفعہ گزرتی ہے۔ تو اس شام کو میں انجوائے کر رہا ہوں، سورج غروب ہونے والا ہے اور گرما گرم چائے، بہترین چائے، بھی بڑی مزیدار بنی ہوئی ہے اور دودھ پتی ٹائپ جیسے ہوتی ہے نا، لائٹ سی چائے وہ ہے، تو زبردست۔ پلیٹ فارم پر جو لوگوں کے لیے بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگی ہیں، وہاں پر کافی لوگ بیٹھ کے نان ٹکی انجوائے کر رہے ہیں، تو ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ جی نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ واربرٹن سے۔ صحیح، تو یہ بتائیں یہ جو اسٹیشن پر کینٹین ہے، اس کی نان ٹکی اور باقی چیزیں کیسی ہوتی ہیں؟ یہاں پہ بالکل سب چیزیں بہت ماشاء اللہ سے اچھا ٹیسٹ ہے، ہر چیز اچھی ملتی ہے۔ تو ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے ادھر صرف ایک ہی ٹرین آتی ہے، جی، تو اس کے علاوہ یہاں پہ رش رہتا ہے یا صرف ٹرین آنے کے وقت مسافر ہی؟ سکتے ہیں ہر وقت ہی رش ہوتا ہے یہاں۔ اچھا، تو کیا اسپیشلٹی آپ کو ادھر کی لگتی ہے؟ یہاں کی نان ٹکی بہت اچھی ہے، سموسے بہت اچھے ہیں، ہر چیز ہی اچھی ہے، اچھا ٹیسٹ ہے۔ صحیح، شکریہ۔ تو دوستو، یہ ایک دیرینہ خواہش تھی کہ واربرٹن اسٹیشن کو ایکسپلور کروں اور یہاں کی کینٹین سے کھانا کھاؤں۔ میں نے جو راوی ایکسپریس کے پچھلے سفر کیے تھے ان میں اس خواہش کا اظہار آپ نے سنا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے آج اس خواہش کو پورا کروایا، اور بہت ہی زبردست لگا مجھے یہاں کا کھانا، خاص طور پہ جو چکن پکوڑا تھا وہ بہت ہی سپر تھا۔ آپ بھی اگر کبھی راوی ایکسپریس پہ ٹریول کریں تو
इसका खाना ज़रूर खाएं इस कैंटीन का, और बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस हैं। खैर मैंने तो बहुत कोशिश की अब्दुल मजीद साहब को जो मैंने खाना खाया उसके पैसे देने की, लेकिन उन्होंने लिए ही नहीं, बस क्या करूं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे, और अब कुछ ही देर में मगरिब भी होने वाली है। अब आप ये भी सोचें कि मैंने वापस लाहौर जाना है, ट्रेन कोई है नहीं, तो अब एक ही रास्ता बचता है, वो भी बाय रोड ट्रैवल करने का। तो अब देखता हूँ कैसे गिरते पड़ते पहुँचता हूँ लाहौर, लेकिन जो ट्रेन का सफ़र था और इस कैंटीन को, स्टेशन को एक्सप्लोर करना, उसमें तो मज़ा ही आ गया। तो वारबर्टन ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा आज का, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी आज के इस व्लॉग को पसंद किया होगा। साथ रहने का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए सफ़र पे, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।